देखो
जो नामुमकिन है उसे मुमकिन कौन बना सकता। ऐलान कर दिया मामा हजरा हमारे ये दरबार इतराक ही नहीं हो सकता। मौला ने फरमाया जिसने जनाब सैयदा के हक की मारे मुतासिर कर दी, हफ्ते दारा की फेरी बनाओ क्या क्या हक है, कौन बताए हफ्ते फातिमा क्या क्या है, या तो अल्लाह हो या मुस्तफा हो। या तो अल्लाह हो या मुस्तफा की जाते मोहतरम। जिब्राइल तो पूछने चला था यार अभी मोहन दाते किसा ही पाते मारे चादर किसा ने कहा है, क्या तारुफ करवाया। रोज रोज आने वाला फरिश्ता पूछ रहा है सवाल कर रहा है कौन है, क्या नहीं जानते जनाब सैयद हसनैन अमीरुल मोमिनीन ने रसूल खुदा, नहीं जान सकता था क्यों कि जो चादर हायल आ गए और जम्बे मार्फत में वो इकाई वो वहदत में सैयदा का वो मकाम मर्तबा था कि इतना के जिब्राइल से भी बाहर था। मैं जान नहीं सका बेसाद पूछा या रबी वमन तादर की सर बांधे वाले चादर की सर ने कहा तो अल्लाह ने भी कहा अजब अल्लाह से तारुफ फरमा होम फातिमा का सबके सब फातिमा का या अल्लाह हक़ फातिमा की मारिफत करवा रहा है किसे इंतज़ाल अर्शिल मकीन को जो अल्लाह के जिलों में रहने वाला मालिक है। वो नहीं जान जो देखे तो साथ जमीन के नीचे देखे कोई भी जिब्राइल की नजर से ओझल ना हो एक चादर क्या आई पहचान न सका ये कौन है। तो अल्लाह ने तारुफ हक़ सैयदा की मारिफत करवाई होम फातिमा ये तो आपने सुन लिया मैंने पढ़ दिया कौन कौन है वहां मोहम्मद मुस्तफा अली मुर्तजा हसनैन मौजूद है सबों को अल्लाह फातिमा कह रहा है सब खामोश है मोहम्मद है मौजूद अल्लाह फातिमा कह रहा है खामोश है अली मौजूद है अल्लाह फातिमा कह रहा खामोश है हसनैन मौजूद है अल्लाह फातिमा कह रहा खामोश है। इनकी खामोशी बता रही है कि ये चाहते हैं इनकी फजीलत में इनको फातिमा कहा जाए। अच्छी लग रही है बात तो जरूर पड़े मोहम्मद अब मोहम्मद ने हमने फातिमा बताया कैसे बताया बेटी जैसे ही तशरीफ लाई बाप ताजीम के लिए नहीं उठा लोग यही समझते हैं कि बेटी की ताजीम बाप करता है अगर ऐसा हो जाता हर बाप पर बेटी की ताजीम वाजिब हो जाती ये ना कहो बाप बेटी की ताजीम कर रहा था बल्कि ये कहो मातन और रिसाला की ताजीम रिसालत कर रही थी नबुवत की ताजीम मातन और नबुवत की ताजीम नबुवत कर रही थी बाप बेटी की ताजीम नहीं कर रहा तो बढ़िया का मोहम्मद मुस्तफा क्योंकि हम मरहूम मकबूल की मजलिस में आए हैं इशारे सवाब की मजलिस में
क्या इसलिए इशार किया जाता है हुजूर कि वहां जिसे इशार किया जा रहा है वो जिंदा है? इशार की दलील यह है, मतलब यही इशार का पहुंचाया जा रहा है। किसे पहुंचाए? जिंदा हो, कोई जिंदा हो तो पहुंचाया जाए। और इंतकाम किस बात का है? जिक्र खुदा का इंतकाम है, मासूम के जिक्र का इंतकाम है। इसलिए मासूम फरमाते जिक्र होना जिक्र अल्लाह है। हम चौदह का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, चौदह का जिक्र ही इशार होता है। अल्लाह के रहेगा ही जिक्र इशार नहीं होता, जिसका जिक्र अल्लाह का जिक्र कहलाया जाए उन्हीं का जिक्र। तभी तो या हुसैन या अली कहते हैं, ताकि जिक्र इशार होता है तो रुपये मोहम्मद वाले। तनजल मलाइका को वर्गो मलाइका रूह लेकर, रूह और अम्र लेकर नाजिल होते हैं। एक बच्चों के लिए और बड़े जो जानते हैं उनके लिए बात नहीं कर, ये नाजिल होते हैं तनजल मलाइका को वर्गो आबे रबे मिन कुल अम्र, अपने रब का इज़्ज़त लेकर नाजिल होते हैं। क्या रूह और अम्र? अम्र क्या है? मासूम से पूछा गया अल्लाह का अम्र क्या है? अइमा ने सीने गंजिना की तरफ इशारा करके कहा, नहनु अम्र अल्लाह, हम चौदह अल्लाह का अम्र है, हम अम्र खुदा है, हम अम्र खुदा है, हम अम्र खुदा है। तो अम्र खुदा की ताजिम सब पर वाजिब होती, इसलिए अल्लाह ने पहले सजदा नहीं करवाया अम्र के पुतले को। इसलिए तो कुरान में ऐलान कर रहा है, होले रूह में अम्र रब के, रूह निकली कहां से? अम्र रब के माता है दरू, जब मैं रूह फूकू तो सजदा करना, अम्र आया नहीं तो रूह फूकी नहीं गई। अम्र क्या है? अम्र के दूसरे नाम को अली अम्र अभी तारे कहते हैं। जो है तो जरूर
बेटा हुआ बेटी हुई है, एक कान में अजान एक कान में इकामत होनी चाहिए। चले वही सब तो जाएंगे, इकामत भी होगी अजान भी होगी। मैंने मासूम से पूछा मौला अजान क्या है, इमाम से आयत मिली तफसीर मिली तो फरमाया अजान मिन अल्लाह व रसूल, अजान ये नाम है अल्लाह और रसूल की तरफ से। चौथे इमाम ने फरमाया वो अजान ये नाम अल्लाह रसूल की तरफ से मेरे दादा अली का नाम है। क्या बात है। मासूम से पूछा मौला इकामत क्या है, फरमाया साहिब आले मोहम्मद की। हाय 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 हाय। साहिब आले मोहम्मद का आना कयाम मुराद है। यानी हमने अपने बच्चों को पहले अली का नाम भी सुनाया, बाद में अली का नाम सुनाया। क्या बात है। तो समझ गए बच्चे, एक कान में अजान एक अली का नाम है, इकामत बाद में अली का नाम है। तमाम उमूर लेकर रूह के साथ मलाइका रब का इज्न लेकर नाजिल होते। मैं यहां रोकर आज बच्चों से बात, बड़े दानिशमंद अदीब कुतुबीनी करने वाले मदरसों में पढ़ चुके हैं जो पढ़ने वाले हैं, बात उनसे मुखातिब बन। कोई तुमसे पूछे या तुम किसी से पूछो, ये बताओ मलाइका जमीन पर जाते हैं तो किसके पास जाते हैं। और तरफ बात है हुजूर, आपकी दुआएं दे दीजिएगा, दादो तहसील ना मिले कोई बात नहीं। बड़ी तवज्जो से मैंने आपको पहले हदीस अरबी में सुनानी है, फिर उसके बाद आपकी मेरी बातचीत हो रही हो जाएगी। इस तब इसके दिमाग में तफसील सुनाऊंगा, दरों की कीमत अदा कर दे मोहम्मद उनको सवाल करो, सवालिया तौर पर चिरा करो,
हासिल हूं। ते सूरत इन्ना अंजन्ना हुई लैलतुल कद्र, तुम सूरह कद्र के जरिए से उनसे जिला करो कि तुमसे पूछे। भाई ये क्या हमारे शिया ऐसे नहीं है, खामोश होते तो ये ना सब तो शियों को नहीं मालूम है। खामोशी इल्म क्या बता देती है, जहानत नहीं। क्या बात है, हमने अपने बराबर पाया नहीं इसलिए बात की नहीं है। क्या बात है, क्यों मासूम बर्बाद है, हमने हमारे शियों को आदम अलैहिस्सलाम से कुरान की तालीम दे दी है, इसीलिए शिया जानते कौन सी आयत में अली आए फातिमा में आ रहा है। क्या बात है, नतीजा क्या है जब तुम जिरा करोगे, तुम लियो तुम कामयाब हो जाओ। सूरह कद्र को सहारा बनाकर बात करोगे तुम कामयाब हो जाओ। बोले वो कैसे, इमाम ने कसम है फल्लाह अन्ना हुज्जतुल्लाह अला कल्ब बाद रसूल, क्योंकि ये सबसे बड़ी दलील है सवाल का, मोहम्मद मुस्तफा के पास हुज्जत कौन है, अल्लाह की कसम। आपने नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, मैं आपके करीब आपसे बात करता हूं। अब यहां तक ये इल्मी अदब की बात यहां रोक दी मैंने बच्चों से, क्योंकि हमारे बदर के तकरीर के लोग बहुत फ्री स्टाइल मिजाज के हैं, उसी अंदाज में सुना। सवाल करो पूछो, ये मलाइका अमर और रूह लेकर जमीन पर आते हैं तो कहां जाते हैं, और नहीं बोलना कहां जाते हैं, आज तक किसी ने दावा नहीं किया। मेरे पास आते हम बताते हैं, बता तुम्हें हम बताते हैं, बता जो कहता है तमाम मलाइका रब के यहां से उसका रिज़्क पाकर मेरे पास आते हैं, वो कोई और नहीं इमाम ज़माना जो बाउदा। मुस्लिम के बेटे
वापस लेट के बैठे या तीन बच गए, लेकिन वो जुल्म हुआ था दारो कभी मोहम्मद के चेहरे पर तमाचा मारा गया, कभी इब्राहिम के चेहरे पर तमाचा मारा गया, कभी भाई के सामने भाई को कत्ल किया गया, भाई भाई के ख्वाबों में जाकर होता था, ये मुस्लिम के यतीमों का आपने सुन लिया। अल्लाहु अकबर, मुस्तफा की शरीयत कह रही है कोई यतीम को पाओ तो शफकत से पेश आना, उसमें सुलूक से पेश आना, ये मुस्तफा की शरीयत है। मुस्तफा के घराने का जो हाल है वो बताओ। अल्लाहु अकबर, अहले बैत अतहार को किसने उनकी शहादत पर पुरस्कार दिया? इनके यहां बच्चे यतीम होते हैं तो उन्हें यतीमी का पुरस्कार शफकत से नहीं चेहरे पर तमाचे मार के दिया जाता। वाह मोहम्मद मोहम्मद नासरा, अब इमाम जमाना की बारगाह में बैठे होकर मैं रोते से ना सुन कर मैं सलाम सुनो, इमाम जमाना सलाम करते सलाम उस चेहरे पर जो कदम कदम पर चेहरे का रंग बदल जाता था, जिसे मसाब समझ में आ जाए और रो या मातम करेगा, समझे हुजूर, कदम कदम पर जिस चेहरे का रंग बदल हो गया, नबी शोर में तमाचे, नबी उंगली में तमाचे, हर तमाचे पर आवाज ऐसी नहीं चचाबा। बाबा मोहम्मद अकेला तमाचा, अगर कोई तंदा, अगर कोई बड़ा रसूल अल्लाह, हर तमाचे पर अपने चचा को आवाज देती रही। वो मंदिरा यसियो सबसे ज्यादा जिसका गला कसम में हसनैन की माँ ज़हरा को कदर कहते हैं, सुभान अल्लाह, और नहीं
फरमाया हुजूर, याने कदर कदर कामदार है, विदायत अली है, जनाब सैयदा है। क्या क्या है विदायत अली जनाब सैयदा? हमारे इमामत इसी सूरत से वाले है, मौजूद है हुज्जत खुदा पर सबसे बड़ी तरी सूरह कदर है, सूरह कदर है। बड़ी तवज्जो से तनाजल मलाइकतो व रूह भी आवे इस रब में कुल अमल सलाम या हफ्फा मतलही फज। अब ये सलामती क्या है, किसके साथ सलामती है? आप पुरानी से पूछते हैं यार, लोग कर बात पहुंचा रहा हूं मासूम और एक पुरानी का फासी रह गए फालियतु हुक्मा फालियतु इला दारुस्सलाम, उन्हें दारुस्सलाम की तरफ बुलाओ। मैंने मौला से पूछा, मौला दारुस्सलाम क्या है? बड़ी तवज्जो से